देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर को खोलने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मंदिर खोलने वाली चाबी राज्य सरकार के हाथों में है। 7 महीने से बंद इस भगवती दरबार को खोलने की आस श्रद्धालु पंडा समाज व दुकानदार से लेकर यहाँ से रोजी रोटी से जुड़े सैकड़ों लोग कर रहे हैं। कोरोना काल में 7 महीने से बंद रजरप्पा मंदिर को नवरात्रे से पूर्व या बाद में खोलने पर विचार करने का आदेश रांची हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले आदेश पर टिकी है। सभी को आस है कि आस्था व रोजगार को देखते हुए राज्य की हेमंत सरकार जल्द ही रजरप्पा मंदिर को खोलने पर विचार करेगी। जो श्रद्धालु भूले भटके आ जा रहे रजरप्पा मंदिर, उनके लिए और भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है कि ना यहाँ पे होटल रहते हुए भी उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ना पैसा रहते हुए वो भूखे चले जा रहे हैं। ये काफ़ी निंदनीय विषय है, इसलिए मैं सरकार को अपनी तरह से अपनी दिल की राय अपनी बात रखता हूँ कि जिस तरह से बाबा वैद्यनाथ को आपने खोला, बासुकीनाथ को खोला, उस तरह रजरप्पा मंदिर में भी कुछ ना कुछ उपाय करके आप मंदिर खोलने का कथक प्रयास करें, जिससे जो ये प्रकोप दुकानदारों पे और भी श्रद्धालुओं पे पड़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाए, जो मरहम का काम दे। बंगाल से आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि 7 महीने से बंदी के कारण भक्तों परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही रजरप्पा के दुकानदार कोरोना के कारण कम भूख से ज्यादा परेशान है। इस कारण सरकार जल्द मंदिर खोलने का निर्णय ले। इस तरह का जो फरमान है, ये मंदिर बंद है आज कितने दिनों से, लगभग आपको पता होना चाहिए कि 50,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो कोरोना क्या, ये लोग तो भुखमरी से मर जाएंगे। कोरोना से तो मृत्यु होगा ही, लेकिन कोरोना से मरे ना मरे, इस तरह का फरमान अगर आप जारी कीजिएगा, मंदिरों को खोलने से रोकिएगा, तो कहीं ना कहीं जो परिवार, देखिए भारत देश में मंदिर एक बहुत बड़ा आस्था का विषय है, बहुत लोगों का घर चलता है, बहुत लोगों का परिवार का भरण पोषण इस मंदिर के माध्यम से होता है। वहीं मंदिर खुलने की आस में आसपास के मालाकार समुदाय के लोग भी अपने खेतों में फूलों की खेती कर ली है, जो अब कली से फूल बन चुके हैं। अगर रजरप्पा मंदिर खुलने में देरी होती है तो इन गरीब लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला बार फूल का खेती किए थे, लॉकडाउन में बहुत क्षति हुआ, इस बार भी फूल का खेती लगाए हैं और तैयार भी हो गया है। अब रजरप्पा मंदिर खुलता है या बंद रहता है, इसे हम लोग नहीं खुलेगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। रजरप्पा मंदिर खोले जाने को लेकर हुए पहल का स्वागत करते हुए सांसद प्रतिनिधि रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू ने कहा कि यह जनहित में अच्छा कदम है, अब सरकार इस पर सार्थक पहल कर। सर माधव लाल सिंह ने जो डाला था उसके लिए भी उनको बधाई है, जो आप जनहित में एक अच्छा पिटीशन डाले और कोर्ट ने संज्ञान लिया। और हम लोग चाहते भी हैं जो नवरात्र महीने से पहले अगर इस पर फैसला हो जाए तो जल्द से जल्द रजरप्पा मंदिर खुलवा दिया जाए, तो श्रद्धालु वहाँ पूजा भी करेंगे और जो वहाँ पर रोजगार हो चुके लोग हैं उनको भी पुनः रोजगार इस कोविड में मिल जाएगा, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति। रजरप्पा मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, साथ ही यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। श्रद्धालु पंडा समाज व दुकानदार से लेकर यहां से रोजी रोटी कमाने वाले सैकड़ों लोगों के हित को देखते हुए मंदिर का खुलना सरकार की एक सार्थक पहल होगी। रजरप्पा से इमरान की रिपोर्ट। फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों भाभी जी, और कितने पैसे चाहिए होंगे? भाभी जी, गीता में क्या लिखा है, जो आज आपका है कल मेरा होगा, परसों किसी और का। ये जनाब कुमार विराजदार सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है